बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम और उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? मैं हूँ उज़्मा और आप देख रहे हैं उज़्मा फूड डायरीज। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी वो है आलू के स्नैक्स। इनमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये एक मीडियम प्याज है, ये चॉप किया हुआ है और 4 अदद सब्ज मिर्चें हैं, ये भी मैंने चॉप की हुई हैं। एक बॉल जो है वो कॉर्नफ्लोर का है, एक बॉल जो है वो ब्रेड क्रम्स का है, एक टीस्पून जो है कलवंजी की है, एक टीस्पून है गरम मसाले की है, एक टीस्पून जो है वो है चाट मसाले की है, 1.5 जो है वो ज़ीरे की है टीस्पून, 2 टीस्पून जो है वो सूखे धनिए की है, 1 टीस्पून नमक का है, 1 टीस्पून अजवाइन है और 1 टीस्पून दादड़ी सुरख मिर्च है और 4 आलू हैं। सबसे पहले हम इन आलुओं को मैश कर लेंगे। आप कोई चम्मच ले लें या एक डंडा ले लें, उसके साथ इसको मैश कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे मसाले इसमें जाएंगे। नमक अपने जायके के हिसाब से डाल लीजिएगा। इनको मसालों को अच्छी तरह मिक्स करना है। अब ये जो कॉर्नफ्लोर का बराबर बॉल है ये इसमें जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये जो ब्रेड क्रम्स हैं ये इसमें जाएंगे। बिस्मिल्लाह। अब ये मसाले हैं ना इसमें अच्छी तरह और मिक्स कर लूँ, फिर मैं बाद में आपको बताती हूँ कि क्या करना है इसको। ये ट्रे एक कटिंग बोर्ड ली है मैंने। अगर आप के पास लकड़ी की कोई ट्रे है वो ले लें, स्टील की ट्रे है वो ले लें। मैंने ये ली है, कटिंग बोर्ड ली है। इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल हाथ के साथ लगा लें, ब्रश के साथ लगा लें। इसमें इसे ब्रश के साथ इसको लगा लें। बिस्मिल्लाह। Thank you.
ऐसे ऐसे चौरस शेप दे ले, और जैसे ब्रेड होती है ब्रेड की तरह इसको काके बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इसकी बीच में से कटिंग कर लें। और इसको सैंडविच की तरह कटिंग कर लें इसकी बिस्मिल्लाह। फिर इसको ना शैलो फ्राई कर लें। जी वीवर्स, तेल अब ना गर्म होने रखा है। अब इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी कि अगर ये ऊपर हो गया गर्म। अब माशाल्लाह अब एक एक स्नैक डाल के इसको डाल देना। जी वीवर्स, ये है मेरी रेसिपी की फाइनल लुक, जो कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की है। आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला, और आप बनाइएगा ज़रूर। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में ट्राई करके बताइएगा ये स्नैक कैसे लगे आपको।